अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। पिछले मैथ्स के सेशन में हमने हमारी पहला चैप्टर की पहली एक्सरसाइज पढ़ी थी, जो हमारा पहला चैप्टर था सेट्स, जिसकी हमने पहली एक्सरसाइज पढ़ी थी 1.1। एंड नाउ इस सेशन में हम अपनी सेकेंड एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2, अब वो पढ़ेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सेपरेट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स इन द फॉलोइंग। अब ये हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये 8 क्वेश्चन हमें दिए हैं, इसमें से हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट निकाला है। अब इनफाइनाइट और फाइनाइट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लें। फाइनाइट का मतलब होता है कि एक चीज महदूद है, एक चीज की कोई लिमिट है, मतलब कोई लिमिट वाली चीज जो एक लिमिट पे आके खत्म हो जाएगी। और इनफाइनाइट वो चीज होती है जो कभी खत्म नहीं होती, जो चलती रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने इन सेट्स में से ये बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है, मतलब कौन सा सेट वो है जिसकी कोई लिमिट है, और कौन सा सेट वो है और इनफाइनाइट कौन सा है, मतलब कौन सा सेट वो है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। नंबर वन, अब ये ए का जो सेट है, ए इज इक्वल टू, अब यहाँ सेट बना रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये डॉट्स का मतलब ये कंटिन्यू चल रही है 7, 8, 9 और ये 10 तक चल रही है, और ये 10 पे आके खत्म हो रही है। अब ये 10 पे जो आगे खत्म हो रही है, अब इसके आगे इसकी ये लिमिट है, इसके आगे नहीं है, इसके आगे खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट हमारा क्लोज कर दिया है, यहाँ पे हमारा सेट क्लोज कर दिया। तो ये जो है वो होगा हमारा फाइनाइट सेट, क्योंकि ये यहाँ पे आगे खत्म हो रहा है। ये होगा हमारा फाइनाइट सेट। एंड सेकेंड क्वेश्चन में हम आ जाए तो बी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 9, 5, 7, 9 और उसके बाद ये डॉट्स चल रहे हैं, इसका मतलब ये कंटिन्यू चल रही है, और ये कंटिन्यू चल रही है। अब ये कहां तक जा रही है, ये लिखा हुआ नहीं है, इसका जो एंड का जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में चले जा रही है और उसका कोई मतलब ना ही कोई लिमिट है, ना ही कुछ है। अब यहाँ पे लिमिट यहाँ पे इन्होंने कर दी कि 10 से आगे नहीं जा रहा, अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो सेट है ये है इनफाइनाइट सेट। अब ये सेट हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। चले अब थर्ड पे आ जाए। अब थर्ड भी इसी तरीके से C is equal to 1, 2, 3, उसके बाद ये कंटिन्यू चल रहा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक चल रहा है। अब 50 पे आगे ये पॉइंट इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट आ गया इसका, इसकी लिमिट बता दी गई है। और जब हमें लिमिट बता दी गई है तो इसका मतलब यही है कि हमारी लिमिट है, तो इसका मतलब ये सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट नहीं है, क्योंकि इसकी एक लिमिट है, तो ये सेट है हमारा फाइनाइट सेट। फोर्थ पे आ जाए। फोर्थ जो है वो हमारा D इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। अब इसकी भी एक लिमिट है, ये भी जो है वो ऐसा नहीं है कि इसकी लिमिट ही नहीं है, वो ये चले जा रहा है, तो ये सेट भी जो है वो हमारा फाइनाइट सेट है। अब हम आ जाए क्वेश्चन अपने फाइव पे। फाइव का तो हमारा क्वेश्चन है E इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, उसके बाद ये कंटिन्यू चल रहा है, अब इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, बिल्कुल इसी की तरह यहां भी इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये भी सिंपली है हमारा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। सिक्स पे आ जाए। F इज इक्वल टू, अब देखें ये जो हमें सेट दिया हुआ है, सेट को कहते क्या है, पहले तो आप ये समझ लें। अब ये नॉर्मली ये तो सब सेट चल रहे थे, सही ना? अब यहाँ पे आप इसको होल नंबर का सेट कह सकते हो, इसको आप ऑड नंबर कह सकते हो, इसको भी होल नंबर कह सकते हो, इसको इवन नंबर कह सकते हो, तो ये सब सेट्स भी होते हैं, इन सब के बारे में भी जानना जरूरी है। अब ये जो सेट है ये है इंटीजर्स, ये जो सेट है इंटीजर्स, अब इंटीजर्स भी होल नंबर ही तरह होता है। होल नंबर का मतलब क्या होता है, होल नंबर वही होते हैं जो काउंटिंग के साथ चल रहे होते हैं, जैसे वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जहां तक काउंटिंग जा रही है वो होल नंबर है सब, लेकिन हम मैक्सिमम 10 तक लिखते हैं, क्योंकि उसके आगे बहुत बड़ा सेट हो जाएगा, उतना बड़ा सेट नहीं करते। अब यहाँ पे इंटीजर्स हैं, अब इंटीजर्स भी इसी तरीके से हैं,
लेकिन इंटीजर्स को दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जीरो, अब जीरो से ये पॉजिटिव स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 अभी काउंटिंग जारी आगे तक, और ये नेगेटिव स्टार्ट हो रहे हैं -1 -2 -3 और ये भी काउंटिंग आगे तक जारी। अब इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर साथ में लिखे हुए इनका भी कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं है। अब ये भी कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं, कोई एंडिंग स्टार्टिंग कुछ भी नहीं है, तो अब ये भी इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमें सेट बना के दिया, अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट क्या होता है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, ये यहां से शुरू हो रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये जो 1 से पॉजिटिव इंटीजर्स शुरू हो रहा है तो ये कहां तक जा रहा है, ये तो पूरी काउंटिंग पॉजिटिव इंटीजर्स की, क्योंकि वो होल नंबर की तरह होते हैं, वो काउंटिंग जहां तक जा रही है जा रहा है, तो इसको भी ये भी कोई फाइनाइट नहीं क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहां पर ये नहीं बताया कि यहां पर लिमिट करके रोकना है, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद आ गए 8 पे, तो 8 पे लिखा हुआ h इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 30। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं उन नंबर्स का सेट होता है प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने डिग्री में आते हैं। जैसे कि अगर यहां पे हम एक सेट लिखें, 1 अपने डिग्री में आता है, 2 सिर्फ अपने डिग्री में आता है, 3 भी सिर्फ अपने डिग्री में आता है, 5 सिर्फ अपने डिग्री में आता है, 7 अपने डिग्री में आता है, उसके बाद 11 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो ऐसे ये जो होते हैं ये होते हैं प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो उसका सेट बोल रहा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 30, मतलब 30 से कम प्राइम नंबर्स का जो सेट होगा वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अब यहां पे हमें एक लिमिट दे दी गई है कि 30 से कम का जो सेट होगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 30, तो अब यहाँ पे एक लिमिट दे दी गई है हमें। अब जब लिमिट दे दी गई है तो उसका मतलब ही यही है कि हमारी लिमिट है, तो ये है हमारा फाइनाइट सेट क्योंकि लिमिट है। इनफाइनाइट वो होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इजी और प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको आसानी से समझा दिया कि फाइन इन शॉर्ट सिर्फ बात इतनी समझ लें कि वो सेट जिसकी कोई लिमिट हो वो फाइनाइट सेट कहलाता है और जिसकी कोई लिमिट ना हो वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। सिंपल। अब है हमारा अगले क्वेश्चन, अगर आपको बुक में देखना है तो बुक में भी आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 है हमारी, क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 6 पे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पेज नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी तो अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसका क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म है, जैसे यहाँ पे ये वर्ड्स में लिखा हुआ, जैसे जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म है उनको जिस तरीके से मतलब ब्रैकेट्स में करके जिस तरीके से लिखा जाता है ब्रैकेट्स में करके, तो वो फॉर्म हमें यहाँ पे लिखनी है। अब वो फॉर्म अब हमें पढ़ के कि यहाँ पे जैसे काउंटिंग में होता है वर्ड्स में होती है और फिगर्स में होती है, उसी तरीके से अपने सेट्स में है टेबुलर में है और अब यहाँ पे वर्ड्स में है। अब यहाँ वर्ड्स में लिखा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इस नेचुरल नंबर्स का मतलब ये होता है काउंटिंग जहां से स्टार्ट होती है उसी तरीके से सिंपली आराम आराम से मतलब 1 से लेकर और जहां तक काउंटिंग जा रही है वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, मतलब पहले जो 10 नेचुरल नंबर्स हैं हमें वो लिखना है। तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये होगा हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सेकंड पे है हमारे b इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी इवन नंबर्स होते हैं तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो उसमें तो कोई बताने वाली ऐसी बात है नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अब शुरू के जो 5 इवन नंबर्स होते हैं हमें वो लिखने, और वो है हमारे 2, 4, 6,
8 और 10। ये होगा हमारे शुरू के पांच इवन नंबर्स। अब नीचे चले सी में क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेगेटिव इंटीजर्स। अब इससे पहले मैंने कुछ सेंस में मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स किस तरीके से होते हैं। इंटीजर्स भी जो है वो नॉर्मली नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव में भी आते हैं और नेगेटिव में भी आते हैं। अब यहां पे बोल ले कि सात, शुरू के सात नेगेटिव इंटीजर्स हमें लिखने, तो शुरू के सात का मतलब आ गया वही इस तरीके से नेचुरल नंबर में क्या सिंपल काउंटिंग है, लेकिन नेगेटिव में लिखना है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ये हो गया हमारे तीसरा कि द सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेगेटिव इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स हमने लिख दिए सात नेगेटिव। अब डी पे आ जाए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। अब ये प्राइम नंबर्स भी मैं आपको पिछले में बता चुका हूं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि उसका सेट बनाएं, 15 से कम कम प्राइम नंबर्स का सेट बनाएं यहां पे। तो अब हम 15 से कम कम का प्राइम नंबर्स का सेट बनाएंगे, जैसे कि सबसे पहले 2 क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, 5 भी अपने टेबल में आता है, उसके बाद 7 भी अपने टेबल में आता है, 11 भी अपने टेबल में आता है और 13। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब उसके बाद क्या हमें लेस देन 15 से कम कम में बनाना था, तो 15 ही आया। 15 से छोटा सबसे क्या है 13, क्योंकि 14 भी टेबल में आता है। तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स लेस देन मतलब 15 से कम कम में, ये होगा हमारे प्राइम नंबर्स। ये हमारे चार सवाल, और इसके अलावा इसके चार सवाल और हैं, अब वो करते हैं। ये अब चार क्वेश्चन हमने कर लिए थे, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हो गए थे, 5th, 6th, 7th, 8th है। अब 5th जो है वो है हमारा इज इक्वल टू द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 16। जैसे प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, अब ये कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स वो सेट है, वो नंबर्स हैं जो अपने टेबल के अलावा दूसरे दो, एक या दो टेबल्स में और आते हैं, मतलब दो टेबल्स में और आते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, पहला होता है 4 जो अपने टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, उसके बाद 6 भी, उसके बाद 8, फिर 9, फिर 10 और 12 और 14 सही। अब यहाँ लेस देन 16, अब हमें कंपोजिट नंबर्स लिखने थे 16 से छोटे छोटे। तब यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 14 ये नंबर्स हैं 16 से छोटे छोटे जो अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल में भी आता है। जैसे 4 अपने टेबल में और 2 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। वैसे फिर 8 भी 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, अपने टेबल में भी आता है। तो इसी तरीके से सारे अपने टेबल्स के अलावा भी एक दो टेबल्स में और आते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स वो कहलाते हैं। अब F का आ रहा है, तो द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 20 एंड 14। अब ऑड नंबर्स हमें पता है, जैसे इवन नंबर्स हमें पता था 2, 4, 6, 8, 10, वैसे ऑड नंबर्स भी हमें पता है। तो अब ऑड नंबर्स में भी इसी तरीके से होगा, ऑड नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं। तो यहाँ पर ऑड नंबर्स हमें स्टार्ट से नहीं लिखना, हमें 20 और 40 के बीच के जो ऑड नंबर्स होते हैं ना वो लिखने हैं। तो 20 और 40 के बीच के ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 21, 23, 25, 27 ऑड नंबर्स हमें पता है किस तरीके से लिखना, 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 और 39 ये होगा हमारे ऑड नंबर्स 20 और 40 के बीच के, क्योंकि हमें बिटवीन करना था 20 और 40 का। अब यहाँ पे 7th क्वेश्चन है हमारा, G is equal to the set of days of a week। अब एक हफ्ते की जो डेज होते हैं उसका सेट बनाना है। अब एक हफ्ते की जो वीक होते हैं उसका सेट किस तरीके से बनेगा, उसका सेट किस तरीके से बन जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
Thursday, Friday, Saturday and Sunday. इस तरीके से ये भी पूरा सेट बन जाएगा, तो ये भी हमने इसका सेट बना लिया। अब लास्ट जो हमारा है वो है द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10। अब ये मल्टीपल्स ऑफ 10 का मतलब क्या है? अब हमें सेट बनाना है वो जो 10 से मल्टीप्लाई है, जो 10 की टेबल्स में आता है ना, मतलब 10 के मल्टीपल है, उसका सेट बनाना है। जैसे कि सबसे पहले 10 का मल्टीपल है खुद 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो अब ये तो 10 का मल्टीपल तो बहुत बड़ा है, अभी चलता जाएगा तो हम यहाँ पे ये डॉट जाएंगे, मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ पे सेट को क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम इतना सारा नहीं लिख सकते, हमें कुछ लिखने हैं, उसके बाद फिर हमें पता है कि बहुत आगे तक जा रहा है, तो हमने इसको कंप्लीट जो है वो नहीं लिखना है, बस हम यहाँ पे डॉट्स डाल देंगे। डॉट्स का मतलब यही कि कंटिन्यूसली आगे चल रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है, तो ये 1.2 हो गई हमारी खत्म। अब हम करेंगे हमारी 1.3। 1.2 हमारी हो गई थी कंप्लीट, अब है हमारी 1.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है फाइंड ए यूनियन बी फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब सबसे पहले यूनियन होता क्या है और यूनियन में करना क्या होता है, ये सब हम पढ़ ले बैठे, ये आपने पहले भी पढ़ लिया होगा लेकिन मैं एक बार रिवीजन करवा दूं। यूनियन में जो है वो ये जो हमें ब्रैकेट दिए हैं इनके बीच में हमने यूनियन करना है। अब ये यूनियन यू जैसा दिखता है, ये यू करके बनाया जाता है, ये यू करके बनता है, ये यूनियन यू जैसा होता है, और इसका मतलब ये होता है कि ए और बी के बीच में, अब ए और बी के बीच में यूनियन करना है, इसका मतलब ये कि इन दोनों के जो सेट्स हैं इनको आपने एक ऑर्डर में लिखना है। अब ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे सेट में अल्फाबेट होते तो अल्फाबेटिक ऑर्डर जो होता है ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और अब नंबर्स का जो ऑर्डर होता है, अगर नंबर्स लिखे हुए तो नंबर्स का जो ऑर्डर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो सिंपली हमें ऑर्डर में लिखना होता है इन दोनों सेट्स के नंबर्स को लेके, या फिर अगर अल्फाबेट्स होते तो अल्फाबेट्स को लेके, तो ये होता है यूनियन। अब यहाँ पे बोला है फाइंड ए यूनियन बी फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमारी बुक की पेज नंबर 11 पे, जो 1.3 का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद हमें इसके दिए हुए तकरीबन 5 पार्ट जो दूसरे पेज तक जा रहे हैं, पेज नंबर 12 तक 5 पार्ट दिए हुए, जिसमें से मैं आपको करा दूंगा 4। एक आपने खुद होमवर्क करना है, कौन सा होमवर्क करेंगे, फर्स्ट मैं आपको करा दूंगा, सेकेंड आपको होमवर्क करना पड़ेगा, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ भी मैं करा दूंगा। तो फर्स्ट सबसे पहले समझ लें, अब यहाँ पे करना सब पे ए यूनियन बी ही है, लेकिन सबके सेट अलग अलग दिए, मतलब जो क्वेश्चन है ये देखिए इन दोनों के सेट यहाँ पे अलग है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में इन दोनों के सेट यहाँ पे अलग है, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी अलग है, फिर फोर्थ में भी अलग है, फिफ्थ में भी अलग है, लेकिन करना सब में ए यूनियन बी ही है सिंपली। तो ए का सेट ये रहा, बी का सेट ये रहा, अब इसमें हमने नीचे लिखा, हमें क्या निकलना, फाइंड ए यूनियन बी, हमने लिखा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब इसका मतलब क्या है कि पहले ए का ब्रैकेट आएगा, ए का सेट आएगा, फिर बीच में यूनियन आएगा, फिर बी का सेट आएगा, तो ये आ गया ए का सेट 2, 3, 4, 6, ये ए का सेट आ गया 2, 3, 4, 6, बीच में आ गया ये ए का सेट खत्म, यूनियन आ गया बीच में, फिर बी का सेट आ गया 1, 2, 5, 7, 8, 1, 2, 5, 7, 8, ये ए आ गया, यूनियन आ गया, बी आ गया। अब इन दोनों के बीच में यूनियन कर लें, अब ये इन दोनों सेट्स के बीच में यूनियन करना है, अब ये यूनियन इस तरीके से हुआ। अब हमें देखना है कि इनमें कौन कौन से नंबर्स हैं और उनको हम ऑर्डर वाइज या फिर नंबर का जो ऑर्डर होता है उस तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, उस तरह किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे सबसे पहले काउंटिंग के ऑर्डर में क्या आता है, 1 आता है, इन दोनों साइड्स में 1 है, ये रहा 1 आ गया, उसके बाद 2 आता है काउंटिंग के ऑर्डर में, इन दोनों साइड्स पे 2 है तो 2 भी है। अब हमें ये चीज देखनी है, अब देखो तो दोनों साइड्स पे 2 है तो उसका मतलब क्या 2 दो दो बार लेते हैं, काउंटिंग में दो दो बार 2 आता है, नहीं काउंटिंग में एक ही बार 2 आता है, इनमें साइड्स में एक जो नंबर है वो चाहे कितनी बार भी रिपीट हो रहा हो लेकिन हमने अपना काउंटिंग के ऑर्डर के हिसाब से चलना है, तो हम 2 ही लिखेंगे, एक बार लिखेंगे कोई भी नंबर, तो
वन आ गया, उसके बाद इन दोनों में हमने देखा टू है, टू भी आ गया, फिर इन दोनों में हमने देखा थ्री यहाँ है, भले इसमें हो किसी एक सेट में होना चाहिए, भले दोनों में भी हो लेकिन किसी, और अगर दोनों सेटों में नहीं है तो फिर वो नंबर नहीं आएगा। जैसे कि मैं बता दूं, अब यहाँ पे देखा थ्री थ्री है, थ्री आ गया, उसके बाद फोर आता है, अब यहाँ पे देखा फोर फोर भी है, फोर भी आ गया, उसके बाद फाइव देखा फाइव है, फाइव भी आ गया, फिर सिक्स देखा सिक्स है, सिक्स भी आ गया, फिर देखा सेवन सेवन आ गया, फिर देखा एट एट आ गया। अब यहाँ पे इसके बाद इन दोनों सेट्स में नाइन भी नहीं है, टेन भी नहीं है, इलेवन ट्वेल्व कुछ भी नहीं है, तो हम यहीं तक बस काउंटिंग करके खत्म कर दी। अब मान लो कि अगर इन दोनों सेट्स में फाइव के बाद सिक्स नहीं होता और डायरेक्ट सेवन आया हुआ होता तो हम लोग सिक्स नहीं लिखते, हम सेवन लिखते, क्योंकि हम ऑर्डर के हिसाब से तो चल रहे हैं, लेकिन जब कोई नंबर इन दोनों सेट्स में होगा ही नहीं तो हम अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, तो ये एट तक आ गया। अब ये हमने यूनियन भी निकाल दिया, बस यही है हमारा आंसर, ये सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, यही है हमारा आंसर। तो अब सेकेंड आपको खुद करना है, जो उसका सेकेंड पार्ट है, जो उसका सेकेंड पार्ट है वो है आपका होमवर्क। अब मैं थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ, थर्ड पार्ट में क्या है, ए का ब्रैकेट सेट ले रहा 0.234 और बी का सेट ले रहा 0.234567899। सॉल्यूशन वही करना क्या, ए यूनियन भी लिखा, ए का पूरा सेट लिखा, बीच में यूनियन लिखा, फिर बी का सेट लिखा। अच्छा, अब ये जो मेरे फोर के बाद यहाँ पे डॉट जा रहे हैं, टेन तक किया हुआ तो मेरे पास जगह नहीं है, या फिर मैं जो है ना वो ज्यादा लिखना नहीं चाहता, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ काम करना है, इस वजह से मैंने डॉट्स डाले। इसका मतलब यही है कि फोर से लेकर टेन तक के बीच में जितने भी और नंबर आते हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वो सब यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे हैं। इसका अलग मतलब ये नहीं कि फोर के बाद डायरेक्ट टेन आ रहा है, उसके बाद नीचे आ जाए। अब हमने इन दोनों सेट्स में यूनियन कर रहे, अब यूनियन का मतलब क्या है, सबसे पहले काउंटिंग में क्या आता है, अब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमें हमें नॉर्मली काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, वन से शुरू होती है, तो हमें यहाँ वन दिया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे हमें जीरो भी दिया हुआ है, तो हम जीरो से शुरू करेंगे। अब इन दोनों सेट्स में जीरो दिया हुआ हमें पहले, तो हम जीरो से शुरू करेंगे, जीरो आ गया, उसके बाद देखो वन वन है, टू देखो टू भी आ गया, थ्री देखा थ्री भी आ गया, फोर देखा फोर भी आ गया, फिर अब यहाँ पे फाइव भी है, यहाँ पे नहीं खत्म हो गया, फाइव है, फाइव आ गया, सिक्स आ गया, सेवन आ गया, एट आ गया, नाइन आ गया, टेन आ गया, अभी पूरा सेट आ गया। तो अब ये टेन के आगे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हम टेन के आगे नहीं लिख सकते, तो टेन तक जो हमने किया वही बस हमारा यूनियन है, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये जो हमने दो क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट किया है, सेकेंड आपको होमवर्क दिया है, थर्ड किया है, अब मैं फोर्थ और फिफ्थ कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थ्री तक हमने कर लिए, हमारे क्वेश्चन नंबर वन का जो पांच पार्ट जो मैंने आपको बताए थे उसमें से मैंने फर्स्ट और थर्ड आपको करा दिए, सेकंड आपका होमवर्क है और ये फोर्थ और फिफ्थ में आपको करा रहा हूँ। अब फोर्थ और फिफ्थ जो मैं आपको करा रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है, होगा वही निकालना वही है, ए यूनियन बी फाइंड वही करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। बाकी टू जो है जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो उसी तरीके से होगा, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पे फोर्थ जो है हमें कोई नंबर ही नहीं दिए, अब हमें बोला क्या, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अब हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, कंपोजिट नंबर में बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो अब यहाँ पे हमें ए के सेट में प्राइम नंबर्स लिखने हैं और बी के सेट में कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो अब इसमें यहाँ पे हम ए यूनियन बी निकालना, हमने ए यूनियन बी लिखा इज इक्वल टू ए का सेट यूनियन बी का सेट। अब ए के सेट में हमने प्राइम नंबर्स लिखे, अब प्राइम नंबर जो मैंने आपको बताए थे वो इस तरीके से होते हैं कि जो अपने टेबल में आते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो टू अपने टेबल में आता है, थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन। अब यहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं दी गई कि कितने नंबर्स लिखने, तो प्राइम नंबर्स तो बहुत सारे, तो इसलिए हमने थर्टीन तक लिखने के बाद हमने इस पर डॉट डॉट लगा दी और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूसली जहां तक जा रहा है बस ये प्राइम नंबर सारे वही है। अब उसके बाद ए का सेट आ गया, उसके बाद यूनियन डाल दिया हमने, उसके बाद बी का सेट, अब बी के सेट में कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने मतलब जो दूसरों के टेबल्स में भी आते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में नहीं दूसरों के टेबल्स में भी आते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स की भी कोई हमें कोई लिमिटेशन नहीं दी गई थी कि हमें कितने लिखने हैं, तो कंपोजिट नंबर्स में भी हमने फोर जैसे टू के टेबल, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कंपोजिट नंबर्स क्या होता था, हमने 14 तक लिखने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पे डॉट लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बिल्कुल प्राइम नंबर्स की तरह, क्योंकि ये भी आगे तक जा रहे हैं, इनकी बहुत ज्यादा जो है वो क्वांटिटी है, तो इसलिए हम इतना ज्यादा तो नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पे दोनों में हमने डॉट्स लगा के, इसका मतलब ये कंटिन्यूसली चल रहे हैं, इसकी मतलब ये इनफाइनाइट सेट है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फाइनाइट सेट नहीं, जा रहे हैं आगे तक, बहुत लंबी इनकी क्वांटिटी, तो हमने
ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इन दोनों के बीच में यूनियन निकालना है। अब यूनियन निकालना सिंपल है कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, वन से। अब इन दोनों में वन है ही नहीं, तो अब हम उसके आगे देखेंगे, वन तो नहीं है तो उसे लिखेंगे, टू है टू आ गया, उसके बाद थ्री थ्री भी है, फोर फोर है, फिर फाइव है, फिर सिक्स सिक्स भी है, सेवन है, एट है, फिर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन। अब फोर्टीन तक हमने लिख दिया, उसके बाद अभी यहाँ पे कंटिन्यूसली के डॉट है कि अब वो कंटिन्यूसली आगे चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, अब कंटिन्यूसली आगे चल रहा है, तो उसका मतलब बहुत आगे तक हम बहुत बड़ा सेट बना सकते हैं, जहाँ तक ज़्यादा लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं इतना जगह है और ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम इतना बड़ा सेट बनाए। तो हम 14 तक लिखने के बाद या हम डॉट्स डाल के बिल्कुल इसी तरह और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कंटिन्यूसली हमने यूनियन बना दिया है लेकिन कंटिन्यूसली आगे तक चल रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर इस तरीके के सेट चाहेंगे तो हमें इस तरीके से करना होगा। अब आगे आ जाओ, अब इसमें ये तो और अलग है। अब इसमें क्या, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स और द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ए का सेट जो है वो होल नंबर्स है और बी का सेट जो है वो नेचुरल नंबर है। अब वही ए यूनियन बी निकालना, ए यूनियन बी लिखा इज इक्वल टू, उसके बाद पहले ए का ब्रैकेट फिर यूनियन फिर बी का ब्रैकेट, ए का सेट आ गया। अब ए का सेट क्या है, मतलब द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट हो गए, तो हमने 10 शुरू के 10 होल नंबर्स हमने ए का सेट बनाना है। तो ए के सेट में जीरो से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा 10 नंबर, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करा तो 9 तक 10 नंबर्स हो गए, होल नंबर्स होगा 10। ये हो गया ए का सेट, उसके बाद यूनियन। और बी के सेट में क्या, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन होते सेम ही, मतलब ये भी काउंटिंग वाइज ही चल रहे होते, तो 1 से 10 तक ये होगा नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर्स। अब हमने इन दोनों के बीच में यूनियन करना है, तो यूनियन में आपको पता करना क्या होता है कि हमें इसको जो है वो एक नंबर्स के ऑर्डर में लेकर आना। अब नंबर्स के ऑर्डर में काउंटिंग 1 से शुरू होती है लेकिन हमें इन दोनों सेट्स में 0 दिया हुआ है, ये रख लियो 0 दे दिया गया है, इसलिए अब हम काउंटिंग 0 से शुरू करेंगे। तो अब यहाँ 0 से शुरू, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा हमने काउंटिंग वाइज, हमें जहां तक नंबर दिए हुए थे हमने वहां तक काउंटिंग वाइज सीधा सीधा लिख दिया। ये हो गया हमारा सिंपल, हमने यूनियन निकाल लिया, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये हमारा 1.3 का पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन करेंगे 1.3 का, जो है पेज नंबर 12 पे। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 1.3 का, जो पेज नंबर 12 पे है आपकी बुक के। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं रखूँ क्योंकि वो इजी है, वो आपने होमवर्क करना है। जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, मतलब 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है वो आपने होमवर्क करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से मैं आपको करवा रहा हूँ, उसके टोटल 3 पार्ट है, तो दोनों मैं 2 आपको करवा रहा हूँ, नंबर 1 वाला जो है वो आपने कर लेना। अब इससे पहले वाले में हमने किया ए यूनियन बी, अब इसमें हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब जो ये उल्टा यू बन गया, ये यू जो उल्टा बन गया है, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इसको हमने पढ़ा, ये है यू एन आई ओ एन यूनियन, और ये उल्टा यू जो है हम इसको पढ़ेंगे आई एन टी आर एस ई सी टी आई ओ एन, इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब जो हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, तो इंटर यूनियन में हम क्या कर रहे थे, यूनियन में हम कर रहे थे कि जो ऑर्डर है हमें उसमें लिखना है, मतलब हमें जो नंबर दिए हुए हैं जो काउंटिंग का ऑर्डर होता है हमें उसमें लिखना है। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में ये होता है जो दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा होता है, जो दो सेट्स के बीच में, दो मतलब ए का सेट और बी के सेट के बीच में जो इंटरसेक्शन हो रहा होगा, तो इन दोनों सेट्स में जो नंबर कॉमन होगा, जो नंबर कॉमन होगा वो लिखा जाता है आंसर वाले साइड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो वही जैसे हमने ए यूनियन बी लिख रहे थे वैसे ही सेम ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ए का ब्रैकेट लिखा। अच्छा, ए का ब्रैकेट हमारे पास किस तरीके से, 0 1 2 3 4, और मैंने आपको बता दिया कि कंटिन्यूसली चल रहा है, मतलब 4 से लेकर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 50 तक जितने भी नंबर आते हैं वो कंटिन्यूसली इसके बीच में चल रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली बीच में चल रहे हैं 50 तक। तो पहले हमने ए का सेट लिखा 0 0 1 2 3 4, अभी कंटिन्यूसली 50 तक, क्योंकि कॉपी में रजिस्टर में और बोर्ड में भी हमारे इतनी ज्यादा नहीं है कि हम 50 तक पूरी काउंटिंग बंद कर लिखें, तो इसलिए इसका डालने का मकसद ये है कि कंटिन्यूसली बीच में सब चल रहा है।
उसके बाद इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन के बाद 1, 2, 3, 4, उसके बाद वही कंटिन्यूसली जैसे बी के सेट पे चल जाए 50 तक। अब इन दोनों का कॉमन निकालोगे कैसे? अब कॉमन आप अगर और से लिखे दोनों सेट्स में तो ये 0 से शुरू हो रहा है और ये 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे मतलब 0 कॉमन नहीं है। 1 से देखो 1, 2, 3, 4, उसके बाद ये सारा जो चल रहा है ये सारा 50 तक ये सब कॉमन है, सिर्फ 0 को छोड़ के बाकी इन दोनों साइड्स पे तकरीबन सब कॉमन है, सब कुछ कॉमन है। तो हम यहाँ पे 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करके ये पूरा सेट 50 तक कर देंगे, तो ये पूरा कॉमन हमने लिख दिया, तो ये हमने इसका इंटरसेक्शन निकाल के यही होगा हमारा आंसर, समझ गए। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, यूनियन में हमने क्या किया था, जो ऑर्डर होता है जो नंबर्स का जो काउंटिंग का ऑर्डर होता है हमने उसमें लिखा था, लेकिन इंटरसेक्शन में जो दो सेट्स में जब इंटरसेक्शन होता है तो दो सेट्स में जो चीज कॉमन होती है वो आंसर वाले सेट में आती है और वो हमारा आंसर होता है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, तो यहाँ पे जैसे हमने यूनियन में किया था कि हमें वर्ड्स लिख के दे दिए थे, हमें सेट खुद बनाना था, तो हम इसमें भी आया हुआ ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 2 और बी का सेट जो है द सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4। अब 2 के ए का सेट जो है वो 2 के 6 मल्टीपल्स है और बी के सेट में 4 के 4 मल्टीपल्स है। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब जो टेबल मतलब 2 को हमने 6 तक पढ़ना है, मतलब 2 इनटू 2 4 2 टू द 4 2 3 इज 6 2 4 इज 8 2 5 इज 10 2 6 इज 12 तो 12 तक 2 4 6 8 10 और 12 जो जो मतलब 2 के मल्टीपल्स में आते हैं 6 तक वो हमने 6 नंबर्स लिख दिए और 4 के मल्टीपल्स में 4 तक जो आते हैं वो लिख दिया। जैसे 4 4 4 16 4 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
दोनों ब्रैकेट में जो चीज सेम होती है वो आता है। अब टू देखो नहीं है, फोर सेम है इसमें, सिक्स भी नहीं है, एट सेम है, टेन भी नहीं है, ट्वेल्व सेम है, तीन सेम है, फोर एट ट्वेल्व। तो ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फोर एट ट्वेल्व ये हमने लिखा और ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको इजीली यूनियन बी और इंटरसेक्शन दोनों समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर वन जो है ये हो गया हमारा कंप्लीट। नहीं हो भाई, ये एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर थ्री और है हमारा, एक क्वेश्चन और रहेगा उसके बाद ये हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। और जो जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो अच्छे तरीके से वीडियो देख के समझ के, ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए, आप इजीली अपना होमवर्क कर पाए, तो आप लोगों ने कर लेना। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा है, अब इसमें क्या करना है, फाइंड ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए इफ ए का सेट बी का सेट, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब यहां पे हमें ये बोलना है ए यूनियन बी निकालो और बी यूनियन ए निकालो, ए का सेट ये रहा, बी का सेट ये रहा, और वेरीफाई करो कि ए यूनियन बी का जो आंसर है वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। तो अब सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, सिंपल जैसे हम निकाल लें, पहले क्वेश्चन जैसे हमने निकाला था, ए यूनियन बी लिखा, ए का सेट लिखा, ये रहा ए का सेट 4 5 7 8 11 12, फिर यूनियन में बी का सेट 1 2 3 5 6 9 10 11। अब इन दोनों के बीच में यूनियन करना है, वही सिंपल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नंबर्स के जो काउंटिंग का जो ऑर्डर होता है उसमें लिखना होता है। अब यहां पे इनमें से ढूंढना हमने, वन है, वन ये रहा, टू थ्री और उसके बाद फोर, उसके बाद फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व। अभी ट्वेल्व तक है, ट्वेल्व के बाद नहीं है, 13 14 15 16 नहीं है, तो अभी ट्वेल्व तक कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा यूनियन का, ए यूनियन बी हमने निकाल लिया, यूनियन हमने कर दिया, ए यूनियन बी निकाल लिया मतलब हमने। अब हम क्या निकालेंगे, बी यूनियन ए, बी यूनियन ए का फिर बी का सेट पहले आएगा, फिर यूनियन आएगा, फिर ए का सेट आएगा, उसके बाद बी का सेट हमने पूरे लिख दिया 1 2 3 5 6 9 10 11 और ए का सेट लिख दिया 4 5 7 8 11 12। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में हमने यूनियन करा और यूनियन में वही सिंपल 1 2 3 उसके बाद 4 4 5 6 7 8
9, 10, 11 और 12. और बार बार मैं बता रहा हूं कि अगर दोनों सेट पे एक चीज दो बार लिखी हो, जैसे कि 11, 11, तो दो बार नहीं लिखना है, लिखना उसको एक ही बार है, क्योंकि हम काउंटिंग के ऑर्डर पे चल रहे हैं. दोनों सेट्स में देखना है कि अगर यहाँ पे कोई एक चीज भी कम होती, मतलब अगर यहाँ पे सिक्स नहीं होता, फाइव के बाद दोनों सेट्स में सिक्स होता है, ये सेवन होता डायरेक्ट, तो हम सेवन ही लिखते, सिक्स अपनी मर्जी से नहीं लिखते. हम काउंटिंग के ऑर्डर में चल रहे हैं, लेकिन हम वही नंबर लिखेंगे जो दोनों सेट में मौजूद होगा, मतलब दोनों साइड में से किसी एक साइड में मौजूद होगा. तो ये बी यूनियन ए हमने निकाल दिया. तो अब इसका सेट लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन आंसर, बी यूनियन ए का आंसर सेम है. तो हेंस हेंस ए यूनियन बी बराबर है, इज इक्वल टू, मतलब बराबर है बी यूनियन ए के. वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर लिया कि ए यूनियन बी का आंसर बी यूनियन ए के बराबर है. ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो पेज नंबर 12 पे था. अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. और आपका जो होमवर्क है जो मैंने आपको दिया है, वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, क्या करना है, और आपको बाद में वीडियोस देखनी है ताकि आपको और क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 फिर हम अपना करेंगे जो है हमारा ऑपरेशंस ऑन डिमांड और डायरेक्टेड नंबर्स. थैंक यू.